नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। विधानसभा चुनाव 2022 की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी समेत सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस अपने किले को मजबूत करने में जुटी है। आज राहुल और प्रियंका गांधी ने पदयात्रा निकाली। दरअसल कांग्रेस 2022 के लिए अमेठी में अपना जनाधार बढ़ाने की फिराक में है। अमेठी के पूर्व सांसद यहाँ लगभग 2.5 साल के बाद नजर आए। इस दौरान उन्होंने अमेठी के लोगों से अपने पुराने रिश्ते की बात की, तो वहीं दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज माफिया पर बुलडोजर चलता है। बुलडोजर तो गैरकानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसे पालने पोसने वाले को होता है। इसीलिए आज यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की। आपसे कहते हैं, दिल की बात हम आपसे करते हैं, चाहे वो प्रियंका हो, मैं हूं, मेरे पिता हो, दादी हो, परदादा हो, दादा हो, सच्चाई का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते में लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मगर हमारा पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है और ये आगे भी बहुत लंबा रिश्ता चलेगा। तो हमें ना झूठ बोलना है, ना हमें झूठ की जरूरत है। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जब मैं यहां एमपी था, हमने जबरदस्त विकास का काम आपके साथ किया। यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हैं, राहुल लाल वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से और वीरपाल सिंह नेता बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संदीप त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। थकी ना अमेठी पलकें बिछाते और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए, अमेठी जो है राहुल जी का घर है और जिस तरीके से कोरोना काल अभी पिछले दिनों था, अगर ये बात आप राहुल जी के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं तो मोदी जी कितने दिन बाद अपने बनारस में आया है, ये भी आप देखिए, उनको भी यही समय लगा। तो देखिए, कोरोना काल था, कोरोना काल में कोई कहीं पे नहीं जा पा रहे थे जी। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को इस परिप्रेक्ष्य में देखने के पहले इस परिप्रेक्ष्य में हमें जरूर देख लेना चाहिए। और रही बात अमेठी का, बिल्कुल उनका पारिवारिक रिश्ता रहा, 3 पीढ़ियों का रिश्ता है और वो खत्म नहीं होने वाला है। चुनाव हार जाने से, इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी और भी बड़े नेता हमारे कांग्रेस के कभी चुनाव हारे हैं, और जो है इंदिरा जी रायबरेली से हार गई थी तो रायबरेली से उनका रिश्ता नहीं खत्म हो गया था। संजय सिंह अमेठी से हार गए थे तो संजय गांधी जी अमेठी से हार गए थे तो उनका रिश्ता नहीं खत्म हो गया। तो जो जो एक विधानसभा या लोकसभा किसी भी एक लीडर की जो एक रिलेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, वो जो है होती है। और चुनाव हारना जीतना अलग की बात होती है। और मोदी जी तो अभी बाहर से आए हुए, बाहर के लोग हैं ये लोग, तो ये तो इनका रिश्ता जो है राजनीतिक रिश्ता है। इनको काशी और बनारस में अगर आकर चुनाव लड़ते हैं तो इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करने के लिए इनके आना हुआ, राजनीति परिप्रेक्ष्य में आते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है।
अगर रिश्ता होता तो आप एक उदाहरण मैं देता हूँ, राहुल जी बिल्कुल नहीं आए अमेठी सही है, लेकिन आप कोरोना काल में उनको चाहे ऑक्सीजन का कनिस्टर भेजना हो, हर साल ठंडियों में कंबल भेजना हो, हर साल ट्राईसाइकिल चुनाव हारने के बाद भी, लेकिन आप बताइए मोदी जी ने क्या भेजा बनारस में? कोरोना काल में लाशें बिछ रही थी, क्या भेजा बनारस में स्पेशल मोदी जी ने? बिल्कुल नहीं भेजा, इसलिए कि उनका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता है, वो सिर्फ राजनीतिक व्यापारी। और दूसरी बात, वो खुद कहते हैं व्यापारी, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, व्यापारी पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगी दगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, तो मतलब व्यापारी किसी का मित्र नहीं होता। तो ये व्यापारी लोग हैं, ये खुद ही कहते हैं कि ये व्यापारी हैं, और ये कहते हैं कि ये पैक पुराने डिब्बे को नए डिब्बे में पैकिंग करके बेच देने वाले लोग। इनसे एक सवाल पूछिएगा, पीरपाल जी हमारे भाजपा के नेता बैठे हैं, हमसे वरिष्ठ है, एक सीधा और सिंपल सवाल है मेरा, आप उत्तर प्रदेश में एक एक लिख लीजिए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जिसका आपने शिलान्यास किया हो और आपने लोकार्पण कर दिया हो, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए 100 बेड के ऊपर का जिसका शिलान्यास आपने किया हो और लोकार्पण आपने कर दिया, ये दो सवालों के जवाब दे दीजिए। ये दोनों मूलभूत आवश्यकताएं हैं उत्तर प्रदेश की, और आप रोजगार की तो बात ही मत करिए, वो तो आपको देना ही नहीं है, इसलिए कि आपकी इच्छा शक्ति है ही नहीं है। और आप चुनावी मैनेजमेंट की बात आप समझिए, अभी लगातार मोदी जी का दौरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सच्चाई यह है कि यह लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये लड़ाई चल रही है योगी बनाम मोदी। मोदी जी को अपनी राजनीति खत्म होते हुए दिख रही है, उत्तर प्रदेश में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए वो जो अंतिम प्रयास कर रहे हैं, और योगी जी को डाउन करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, योगी जी डाउन होने वाले नहीं है। उसका उदाहरण मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब मोदी जी गंगा स्नान बनारस में करते हैं तो क्या योगी जी उनके साथ गंगा स्नान करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, या कोई नेता करता है क्या? मीडिया में क्या दिखना चाहिए? सिर्फ मोदी दिखना चाहिए। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ, जब शिलान्यास राम मंदिर का होता है, जो कि दोबारा करते हैं हमारे मोदी जी, तो क्या उसमें योगी जी दिखते हैं? नहीं दिखते। राजनाथ सिंह दिखते हैं? नहीं दिखते। या और कोई कैबिनेट मंत्री दिखता है? नहीं दिखता है। सांस्कृतिक मंत्रालय का मंत्री दिखता है? नहीं दिखता है। वन मैन शो टू मैन आर्मी ढाई वाला भी खत्म हो गया, अब सिर्फ दो लोगों की, ये देश दो लोग और दो दो चार, चार लोग चला रहे हैं, दो दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, ये लोग चला रहे हैं। इनके पास ना रोजगार का विजन है, ना इनके पास जो है महिलाओं की सुरक्षा का विजन है, ना महिलाओं के अधिकार का विजन है, इनको सिर्फ संदीप जी और आएंगे, सिर्फ आएंगे, और जुमले सफर को आगे बढ़ाते हैं। वीरपाल सिंह जी, वीरपाल सिंह जी, आज जिस तरह की भीड़ उमड़ी है अमेठी में, अमेठी की स्मृति ने विस्मित कर दिया। बात का जवाब दे दूं जी, पहले कोरोना काल में मोदी साहब ने बनारस में क्या भेजा है? इंसानों मुझे क्या नहीं भेजा? बस बस इसी बात का जवाब पूरा से मांगा। फिर अभी बताइए, बीच में बिल्कुल बिल्कुल शांत सुनिए, पहले आप पूछ रहे थे, बात पूरी सुनिए, बिल्कुल शांत आराम से सुनिए, कोई जरूरत देखो चंद्रशेखर जी, इनको बीच में कंट्रोल करना प्लीज, बीच में मत आना, बिल्कुल ये गलत बात है, संदीप जी ये गलत बात है, कह दूंगा आप। अच्छा आप ये बताइए, अब मैंने अभी दो महीने पहले, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अभी बताइए, संवाद जारी रखेंगे, पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे सीधे वीरपाल सिंह के पास। वीरपाल सिंह जी, आज अमेठी में लोगों की जो स्मृति थी वो बड़ी विस्मित कर देने वाली थी, और अमेठी आज कमजोर दिखा, और चुनाव आते आते टूट गया, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होने की, आप देखते रहिए, योगी साहब का जो जो विकास है, जो जनता के लिए काम है, उनको उनको वो याद रखते हैं, याद करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जैसे ये संदीप जी कह रहे थे, इनकी बात का जवाब दे दूं मैं कि मोदी साहब ने कोरोना काल में बनारस में क्या भेजा है,
आप इनको पूछे ना, ये बताइए क्या नहीं भेजा, क्या नहीं भेजा वहां, आपको तो सब मालूम है। और दूसरे मैं कहना चाहूंगा आपको, अभी कह रहे थे कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है, इन एक ही बताता हूँ, ज्यादा नहीं बताता। अलीगढ़ में अभी 2 दिन ने पहले किस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था, ये भी आप याद आप कर लीजिए। अच्छा अभी राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की बोल रहे हैं ये। हाँ, आपको याद नहीं हो, मैं बता देता हूँ, आपको याद नहीं हो तो मैं बता याद मुझे पता है राजा महेंद्र यूनिवर्सिटी के नाम मुझे पता है, लेकिन मैं इनको याद दिला रहा हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। मैं तो याद बता रहा हूँ आपको, यदि मुझे नाम याद ना तो मैं अलीगढ़ क्यों करता फिर, तो मालूम है मुझे पता है। अच्छा दूसरे मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, गांधी जी बोल रहे थे कि हमारा अमेठी से बहुत पुराना रिश्ता है, यदि इतना बड़ा लंबा रिश्ता है और इतने लंबे विकास के कार्य किए हैं, तो फिर मैदान छोड़कर क्यों वहां केरला चले गए? ये इससे पता लग रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ जनता को बहकाया है। वहां फैक्ट्री के लिए जमीन ली थी, लेकिन वो जमीन पड़ी रही, वो देखो आप क्या कौन सा कारखाना लगा उसके ऊपर। इनको मालूम होना चाहिए, मतलब कौन सा, यदि कोई काम होता, आप ये देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यदि काम होता कोई विकास का, तो ऐसे थोड़े आदमी छोड़कर भागता है, अपनी सीट को आदमी पक्का करता है। तो राहुल गांधी का सबको मालूम है, जब कह रहे अमेठी से इतना पक्का रिश्ता था, तो फिर छोड़ के क्यों भागे? नहीं देखिए वीरपाल जी, आज जिस तरह लोग जुटते चले गए, ऐसा लगा देखने से, आप देखिएगा उस वीडियो को, तमाम चीज़ों को, ऐसा लगा कि अमेठी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, और कमज़ोर हुआ है तो ये आपके लिए चिंता का विषय है, और चुनाव आते आते टूट गया तो बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि अगर टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। अमेठी नहीं टूटेगा, रायबरेली टूटेगा, जौनपुर टूटेगा, तो इसलिए आप पूछ रहे हैं। वीरपाल जी, बड़ा विनम्र निवेदन है आपसे, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, भूत को हटा दीजिए, भविष्य को हटा दीजिए। आज जिस तरह लोग उमड़े, भीड़ टूटी, कहीं ना कहीं कमजोर तो दिखा अमेठी राहुल गांधी के प्रति। राहुल गांधी की बातें हवाई फार हैं और योगी जी के काम जमीन पे दिखा दे रहे हैं। चलिए आप उसकी चिंता मत करिए, वो जमीन लौट आएंगे, खुद ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल थोड़ा सा कशमकश का है, जवाब देने से ज्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता है इस सवाल पर। राहुल जी देखिए, सब कुछ कहना पड़ता है, सब कुछ दिखाना पड़ता है, यही मीडिया है। आज जो अमेठी में नजारा था, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ती है निसंदेह, योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ उमड़ती है निसंदेह, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था कि अमेठी में बड़ा बदलाव हुआ है, अमेठी की स्मृति मजबूत हो चुकी है, लेकिन आज अमेठी की स्मृति विस्मित कर गई, जिस तरह से लोग जुटते चले गए और एक कहीं ना कहीं एक माहौल देखने को मिला, अगर ये धीरे धीरे परिपक्व होता है या बढ़ता है तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, और इस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह विजय यात्रा निकल रही है, 594 किलोमीटर का आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शिलान्यास किया गया, ये 6.5 किलोमीटर की यात्रा भारी पड़ रही है कहीं ना कहीं, इसलिए सवाल मुझे करना पड़ रहा है। संवाद आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे सीधे राहुल लाल के पास। राहुल जी, सवाल गहरा है, जवाब भी गहरा होना चाहिए। कुछ चीजों को हमें लोकतंत्र में समझना होगा कि जब आपको बहुत ही प्रचंड बहुमत प्राप्ति होती है, तो जनता आपसे उसी प्रचंड बहुमत के अनुसार परिणाम की भी अपेक्षा करती है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि हम लोग बराबर चर्चा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, जहाँ केंद्र में भी 80% बहुमत मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में
योगी जी की भी काफी प्रचंड बहुमत की एक सरकार है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि आपका डिलीवरी सिस्टम क्या है, आप चीजों को जो आपकी आकांक्षाएं थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। सोचिए कि जब राहुल गांधी को वहां पे स्मृति ईरानी जी ने हराया था तो वहां पे जनता की और अपेक्षा रही होगी कि हमें कुछ और बेहतर चाहिए। जब आप और बेहतर के तलाश में जाते हैं और चीजें आपको वो नहीं मिलती है, क्योंकि जो सवाल आप पूछ रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम लोगों ने जो दृश्य देखे हैं आज अमेठी से, जो दृश्य है वो दृश्य वहां पे ये दिख रहा है कि लगभग 6 किलोमीटर तक किस तरह से दूर दूर तक केवल जन सैलाब ही नजर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में ये जो वर्तमान स्थिति है, हम लोग इसको बहुत ज्यादा देर तक हम लोग इसको नकार नहीं सकते। एक वास्तविकता है, उस वास्तविकता को हमें देखना पड़ेगा। देखिए अतीत में ये वास्तविकता रही कि अमेठी जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र था, वहां पे स्मृति ईरानी जी जो है उन्होंने राहुल गांधी को हराया, वो अतीत की एक वास्तविकता रही। लेकिन आज भी एक वास्तविकता वहां पे दिखा और कहीं कहीं एक तरह से लोगों की फिर से जो अपेक्षाएं हैं वो राहुल गांधी से फिर से खड़ी हो रही है। तो वो जो अपेक्षा फिर से खड़ी हो रही है उसका कारण क्या है, आखिर वो कहां इसके कारण छुपे हुए हैं? तो उसके कारण कहीं कहीं जो 8 साल और केंद्र सरकार होने जा रहे हैं, कहीं कहीं वहां से कुछ एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुआ है, वहां से कुछ सत्ता विरोधी रुझान पैदा हुआ है और राज्य सरकार से भी जो 4.5 साल से रुझान है उन्हीं के कारण से वो चीजें पैदा हो रही है, कहीं और जगह से नहीं हो रही। तो आपको मानना पड़ेगा कि जनता कहीं कहीं अब धीरे धीरे क्या चाह रही है, क्या देखना चाह रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से जो डबल इंजन से जो अपेक्षा थी लोगों की, उस अपेक्षा पर जनता की उस अपेक्षा पर लोग खड़ा नहीं उतरे। देखिए भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे करती है, हर जगह तमाम तरह की गिनती करती है, लेकिन जनता के सवाल अभी भी मूलभूत सवाल बने हुए हैं। महंगाई चरम पे कैसे है, बेरोजगारी का मामला इतना चरम पे कैसे है। मैं अभी भी उत्तर प्रदेश के युवाओं में आप देखिए, अभी भी हम लोगों ने देखा कि टेस्ट पे पेपर किस तरह से लीक हो गए थे, आप देखिए कि किस तरह से जो कठोरता कठोरतापूर्वक रोजगार मांगने वाले लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की स्थितियां कैसे बनती है। तो ये बड़े मुद्दे हैं। आप भले राजनीतिक दल इसको कुछ भी कर रहे हैं, जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार का मूल्यांकन कर रही है और उस मूल्यांकन में कहीं कहीं जो बीजेपी दावा करती है वो अपने दावे पे खड़े नहीं है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर, आज भी देखो बुलडोजर का मामला उठा कि भाई उत्तर प्रदेश में अपराधी कहीं नहीं रहते, यहाँ पे तो बुलडोजर चला के अपराधियों को नष्ट कर दिया जाता है। तो जनता सवाल पूछ रही है, क्या वो बुलडोजर अभी शाहजहांपुर में भी वो बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? क्या वो आशीष जी के यहाँ पे भी वो बुलडोजर चलेगा? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री के घर पे भी वो बुलडोजर चलेगा या फिर केवल विपक्षों के यहाँ बुलडोजर चलेगा? तो बुलडोजर से व्यवस्था को जब हम लोग व्यवस्था का बुलडोजरीकरण कर रहे हैं तो रूल ऑफ लॉ में जनता देखना चाहती है कि ठीक है आपने उधर का कार्य का सफाया किया है तो क्या आपके साथ में जो लोग खड़े हैं वहां पर भी आप बुलडोजर चलाने की हिम्मत आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जनता बड़ी होशियारी बड़ी शालीनता बहुत बारीकी के साथ एक एक चीजों को वो तय करती है और वो देखती है। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जनता सबके हाथ जोड़ती है और मौका आने पर सबको जवाब भी देती है। अब आप जो कहना है कह लीजिए। नहीं नहीं, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जनता जनार्दन होती है और भाजपा जिस तरीके से राहुल जी ने आज कहा कि गुमराह करने का, झूठ बोलने का काम करते हैं। राहुल जी ने कहा कि नोटबंदी पर आपने कहा था काला धन समाप्त हो जाएगा, तो क्या आज काला धन समाप्त हो गया क्या? इसका बात इस बात को वीरपाल जी मानते हैं, भाजपा मानती है, कोई मानता है, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला था। आपने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो गया? इसका मतलब आपने झूठ बोला था। आपने कहा था कि जो भी बड़े लोग जो धन छुपा रखे हैं उनसे धन निकल आएगा, क्या निकल गया? इसका मतलब आपने गुमराह किया था। 25 बार आपको नोटबंदी पर कानून बदलने पड़ते हैं, उसके बाद आप जीएसटी लेके आते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि इससे तो बहुत भला हो जाएगा, वन टैक्स की बात करते हैं, 5 टाइप पे टैक्स लगाते हैं। अगर आप छोटा व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, वो जीएसटी मतलब जो जीएसटी भरने के लिए अगर वकील या लायर या जीएसटी भरने के लिए रखेगा तो उतनी ही आमदनी उसकी है, वो बताइए कहां से रख सकता है? ये पॉसिबल नहीं। तो आप जो कहते हैं वो वास्तविकता में और जमीन पर होता ही नहीं। आप दिन में सपने दिखाने वाले लोग हैं और आप दिन में सपने दिखाते हैं और वो चांद की तरफ आप हाथ दिखाकर और चांद दिखाकर, चांद के सपने दिखाकर आप रोटी छीन लेते हैं। नोटबंदी आपने किया, गरीबों का धन बैंक में गया, उस बैंक को लोन आप बड़े बड़े लोगों को दिए और उनके कारपोरेट के घरानों के जो है आपने ऋण माफ कर दिए। आज आप श्रमिकों की बात करते हैं, आप आज मजदूरों की बात आप करते हैं। आज इस समय खूब पंजीकरण चल रहा है, उसके बाद आप देखिए
ये इनका एक कार्यक्रम लगने वाला है, सखी जो समूह होता है उस सखियों का प्रोग्राम लगने वाला है। पूरे प्रदेश से महिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा है, सखियों को, समूह की सखियों को। आप समझिए कि उसका बजट हमारे यहाँ टेंडर हुआ, मैं देखकर हतप्रभ रह गया कि हमारे जनता की कमाई को किस तरीके से लुटाया जा रहा है। आप समझिए कि 75 रुपए का एक गद्दा ये किराए पर ले रहा है, किसके पैसे से? हमारे पैसे से। अरे भाई कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे आप, भ्रष्टाचार की बात आप करते थे। 75 रुपए का एक गद्दे का किराया आप ले रहे हो, और पैसा किसका? सरकार का पैसा लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, जनता का पैसा लग रहा है। मतलब आप कार्यक्रम करेंगे मोदी जी, प्रचार करेंगे भाजपा का, और गद्दे का पैसा जनता दे? अरे वाह भाई, खाने का मतलब शुल्क इतना महंगा। अरे बाल बाल आप सड़कों की बात करते हैं। अरे कोरोना काल में वो पैदल चले, आपने उनको किराया बस नहीं दी, उनको आपने रेल नहीं दिया, आप उनको आज कम से कम वो आज जो कर्ज में डूब गए हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए आप जो है न्याय योजना जो कांग्रेस लेके आई थी, हमारी बहुत सारी योजनाएं आपने लागू की है, उसको भी करिए, और 7200 रुपए उन श्रमिकों को महीने में देने का काम करिए, उनका भला हो आप। लेकिन वो नहीं करेंगे, आप हमारी योजनाओं को बढ़ाते हैं, बाद में आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आप क्या करते हैं कि कैसे कहा जाता है हमारे यहाँ जो एक बात बोली जाती है गांव में कि थूक कर चाटना, आप वही काम करते हो। आपने कहा किसी कानून वापस नहीं होंगे, इससे किसानों का भला होगा, एक किसान जो है आतंकवादी है, खालिस्तानी है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, अरे भाई हमसे गलती हो गई। मतलब कितनी बार रोइएगा, कितनी बार रोएंगे आप, कि गलती करते जाएंगे, कितना माफ करेंगे? तो जनता उग गई है योगी और मोदी के इस प्रशासन से। उसने हर प्रकार के महिला अत्याचार को देखा, गुंडा की आप जैसे भी आपने बात कही, बुलडोजर चलता है, लेकिन राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही, मतलब बुलडोजर चलेगा लेकिन इनके साथियों के यहाँ नहीं चलेगा। या तो आप आइए वॉशिंग मशीन में धुलिए, साफ हो जाइए और हमारी पार्टी में मिल जाइए। भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, चिन्मयानंद जैसे लोग हैं, उन तेल मालिश कराते हैं, रेप करते हैं, वो सब सबका संरक्षण करेंगे। ये संरक्षणवादी लोग हैं, माफिया को संरक्षण देने वाले लोग हैं। और जिन योगी की बात करते हैं, जो जिनको योगी बताया जाता है, दस मुकदमे थे, मैं अपने 7 वापस लिए, आज भी 3 है, तो 7 मुकदमे। मतलब आप जो है एक तरफ आरोपी है और खुद ही अपने मुकदमे, न्यायालय पर आपको विश्वास नहीं था, आप क्यों मुकदमे वापस ले लेते हैं? डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उनके ऊपर 7 मुकदमे, गौकुशी तक का मुकदमा, नवदुर्गा के चंदा कमेटी का घोटाले का आरोप, मतलब नवदुर्गा का चंदे का पैसा ही खा गए हैं उप मुख्यमंत्री जी। ऐसे लोग को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, आपके इतने विधायकों में से एक भी अच्छा विधायक आपको नहीं मिला, ऐसे ऐसे मंत्रियों को आपने बनाया जो अपराधी किस्म के हैं। और न समझिए, केंद्र सरकार तो उससे भी आगे, मतलब जो बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे सीधे संदीप त्रिपाठी के पास। संदीप त्रिपाठी जी, जी जी, तो जो बात मैं कर रहा था कि ये लोग डेवलपमेंट और उसकी तो बात ही ना करें, और अभी अमेठी की बात चल रही थी, मैं इनको इनकी जानकारी के लिए, दीपाल जी के लिए जानकारी बता दूं, मैं आपको स्पेशल टिकट भेजता हूं हरियाणा से, आप आइए और मैं आपको अमेठी घुमाता हूं, वहां आपको फुर्सतगंज ले चलता हूं, जहां पर पायलटों की ट्रेनिंग होती है, मैं आपको ले चलता हूं, 12 फैक्ट्रियां बनी है, गवर्नमेंट की 12 फैक्ट्रियां है, उन फैक्ट्रियों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहां ले चलता हूं जहां गन बनती है, जो स्टील की है, थोड़ी देर बाद मैं सुन लीजिए, आप बुजुर्ग जी, हाँ मैं आपको ले चलूंगा, और जैसे आपने कहा कि अमेठी में कुछ नहीं हुआ, अमेठी में एक प्रोजेक्ट लेके आए थे राहुल जी जब उनका वो सत्ता में थे, आज जैसे आप गंगा ट्रीट बिल लेके आ रहे हैं, आप चले जाएं तो अगर कोई उस प्रोजेक्ट को खा जाए तो उसी तरह खाद प्रसंस्करण के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लेके आए थे राहुल जी अमेठी में, आप लोगों ने उसको खा डाला, खत्म कर डाला। रायबरेली में 1100 बेड का एम्स बनाया था कांग्रेस ने,
आपने उसको पहले बेड घटाए, पहले 700 किया, फिर 650 किया, और आज की डेट में जो एम्स बनकर तैयार था वहां पर सिर्फ आपको स्टाफ रखना था, आज भी वहां पर सिर्फ ओपीडी चलती है। ये आपकी सोच है डेवलपमेंट के बारे में और आप किस तरीके से एक बदले की भावना के तहत काम करते हैं। ये आपके समय में अटल बिहारी मान जो कोई बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक लेके आई, कांग्रेस ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और उसका श्रेय आज तक कभी नहीं लिया कि उसको हमने किया। लेकिन आपका क्या करते हैं, आपका काम है दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बनाना। कैसे, मैं बता देता हूँ, आपकी शुरुआत जहां से हुई, मोदी जी ने पहला फीता काटा टनल का, कहां पर, जम्मू में, आपने बना दिया था 2 महीने के अंदर टनल बन जाएगी क्या। कांग्रेस ने बनाया था, उसका उद्घाटन चुनाव के पहले होने वाला था, पानी का रिसाव हो गया, उस रिसाव की वजह से उद्घाटन नहीं हो पाया, और आप वो काम किसका बताते हैं, उसका आपने नाम बदल दिया और वो आपका काम हो गया। कटरा से जम्मू जम्मू का रेलवे ट्रैक कांग्रेस ने बनाया, उद्घाटन करने आप पहुंच गए, बताइए आपके 1 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा, नहीं बन सकता है। ऐसी कम से कम सैकड़ों योजनाएं हैं, चाहे वो जो जो बांध है सरदार सरोवर बांध, वो आपने 3 मीटर लंबाई बढ़ाई उस बांध और कह दिया कि मोदी जी ने बनवाया है, मतलब उसका जवाब जी ने किया। एक एक पॉइंट में रख दू, बस लास्ट पॉइंट है चंद्रशेखर जी, उस डैम को जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया और उसका विवाद सिर्फ इतना था एमपी और गुजरात के बीच में कि एमपी अनुमति नहीं दे रहा था कि उसकी ऊंचाई को बढ़ाया जाए, इसलिए कि उसके बहुत से क्षेत्र बाढ़ में डूब जाते और वो विवाद चल रहा था, उस वजह से उसकी जो है ऊंचाई नहीं बढ़ पाई। और जब इनकी दोनों जगह सरकारें हो गई, इन्होंने समझौता कर लिया 3 मीटर उसकी ऊंचाई बढ़ाकर, उस डैम को 40 साल पहले जो काम शुरू हुआ था उसका उस काम का श्रेय आप ले लेते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं। दूसरे तो बेटे को अपना बेटा क्यों करते हैं। और एक चीज और मान के चलिए, हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम बिना पत्नी के पूरा नहीं होता है। मोदी जी अकेले अकेले गंगा नहाएंगे, अकेले अकेले शंकर जी की पूजा करेंगे, अकेले अकेले राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। अरे यार समाजियों, सनातन विरोधियों, सनातन को क्यों बदनाम करते हो। संदीप जी जवाब लेते हैं, उनका हक जवाब लेते हैं, अब जवाब लेते हैं। वीरपाल जी देखिए, जो आरोप इन्हें लगाए पहले उनके जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे आप। हाँ। आप ये बताइए, आप ये पूछिए चंद्रशेखर जी, इनसे राहुल जी के साथ जो राहुल जो मंदिर में अकेला जा रहा है वो क्यों जा रहा है, इनसे पूछना, इनसे जवाब ले लो। राहुल जी जो जा रहा है अकेला, मंदिर में जा रहा, मस्जिद में जा रहा है, जहां भी जा रहा है अकेला जा रहा है, क्या उसको उसको बिल्कुल नहीं हुई वो पप्पू शादी के बाद सनातन धर्म के बारे में ना जानते हो तो जान लीजिए, सौभाग्य से मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, जानता हूँ संस्कार, नहीं जानते हैं बाबू साहब विश्वामित्र जी तो जान लीजिए। देखो 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 चंद्रशेखर जी, ये आप सुन नहीं सकते, आपने जवाब ऐसा मांगा, इन्हें बोलते रहे ना जी, ये बहुत गलत बात है, मैं आपको बिल्कुल कड़ा विरोध कर रहा हूँ, आप रुक जाइए बस, ठीक है आप बोलिए। देखिए वो डॉक्टर से जवाब मांग रहे हैं तो मैं ना दूं, संदीप जी नहीं कह रहे कि जवाब ले लीजिए तो मैं दे रहा हूं। अब रुकिए, देखिए जवाब ले लीजिए जी बोले। मतलब जिस आदमी के कोई काम होते हैं, जो सरकार काम करती है उसको तो इतने बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, उसको तो विपक्ष खुद ही गिन लेता है कितने काम कर दिए विपक्ष पार्टी ने। तो इनको इनको पता होना चाहिए जो काम इन्होंने 60 साल में नहीं करे, भाई जब से हमारा देश आजाद हुआ सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस ने शासन करा, और देखो यहाँ तक कि दिल्ली में कह रहा है केजरीवाल के जिस 70 साल तक जिस पार्टी ने काम नहीं करे उसने करके दिखा दिया इनके अधूरे काम। मतलब इनको तो अपनी जमीन तलाश करनी पड़ रही है कि हम कैसे अपनी ग्राउंड बचाए, कैसे हम जमीन पर टिके, अदरवाइज नए अमेठी छोड़कर भागते, नए दूसरा से छोड़कर भागते, नए वहां जाते, ये अननेसरी। बल्कि इनको तो जैसे किसान की बात पाता हूं मैं, ये किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको ये भी मालूम नहीं है MSP में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, देश में हमारे किस कैटेगरी के किसान है, किस किसानों को क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। वीरपाल सिंह जी अब क्या है कि जानकारी देनी पड़ती है, फिर आरोप भले ही लगे, वो जो राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था स्वामीनाथन आयोग, वो तो इन्होंने बनाया था यूपीए सरकार में, तो उसका उसकी रिपोर्ट तो आए, उसकी रिपोर्ट तो पास ही नहीं हुई, और फिर आपने भी पास नहीं की।
और इन्होंने तो साफ नहीं, ये तो बना के भूल गए, कांग्रेस तो बना के भूल गई, कांग्रेस बना के भूल गई, लेकिन बीजेपी ने भी कहां पास किया। चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आइए चलते हैं डिबेट पर। वीरपाल जी, देखिए एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस जारी नहीं कर पाई, उन्होंने नहीं किया, आपके पास समय था, आपको जारी करना था तो वो आपने भी नहीं की, और अभी यही हो रहा है कि आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। और संदीप त्रिपाठी अगर कुछ बोलने की बात कह रहे हैं आप, कहो तो बोलने का मौका दो। प्लानिंग है जो प्लान तो इन्होंने क्या है, लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इनकी सारी बातें जो है ठंडी बस्ते में रही है या फिर ढकी रखी है, मतलब इनको कोई भी काम को फील्ड में नहीं उतार पाए। यही तो इनके घोटाले चले। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर देव पी चिदम्बरम, आपने सुना होगा 7 करोड़ रुपए की गोभी उन्होंने किचन गार्डन और अपने अपने बालकोनी में उगा के 7 करोड़ रुपए की रिबेट ले ली इनकम टैक्स में। मतलब इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा हो नहीं रहता। एक फाइनेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर रहते हुए 7 करोड़ रुपए की गोभी गमलू में अपने किचन गार्डन में उगाकर इनकम टैक्स रिबेट। आप सोचिए इनकी इनके इनके घोटाले देखिए। अब मैं राहुल जी के पास जाऊंगा। संदीप जी आप जल्दी बता दीजिए। जी देखिए स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई, कब कब क्या क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप समय देंगे तो मैं क्लियर कर देता। ये तो सबको पता है सर, 2006 में इन सिर्फ इनको पता है, ये झूठी बात है इनकी, सारी झूठी बात है इनको। आप जल्दी उनकी बात तो सुन लीजिए। कमीशन की रिपोर्ट जो है 2006 में आई और वो उस रिपोर्ट को उसकी पहली बैठक उस आयोग की, किसान आयोग की 2009 में होती है और 2009 में उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। 42 सिफारिश लागू होती है, 201 सिफारिश टोटल उन्होंने दी थी। 201 सिफारिश में 42 सिफारिश पहली बैठक में लागू होती है, उसके बाद उसकी बैठक होती है 2010 में, फिर 42 सिफारिश लागू होती है, 159 सिफारिश लंबित रह जाती है, फिर 2012 में बैठक होती है जिसमें से 49 सिफारिश लागू होती है, 2013 में 4 जनवरी को 2014 में 5वीं बैठक होती है, रिकॉर्ड के मुताबिक 25 और सिफारिशों को लागू किया गया। 2017 में आई मोदी सरकार, 201 संदीप जी कितना लागू किया आप? 26 पॉइंट को लागू किए हैं। चलिए वो तो अगर लागू मतलब हमने सबसे ज्यादा उनके जो है ये को लागू किया। ये झूठे वादे, कोई गलत अब रुकिए, गलत साबित हो जाती है तो मैं डिबेट पर बैठना छोड़ दूंगा। अच्छा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अगर गलत बात निकल जाती है तो मैं डिबेट कभी जिंदगी में आपके सामने नहीं बैठूंगा, और अगर आप गलत निकल जाएंगे तो आप नहीं बैठेंगे। तो आप मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि देखिए, कोई भी चीज जब लागू होती है, हमने उसको 90% से ज्यादा इम्प्लीमेंट किया। आज भी बहुत सारी सिफारिशें लागू नहीं है, आपने किया 26 पॉइंट आपने लागू किया, उसमें आपका भी श्रेय है। ये नहीं कहूंगा, देखिए देखिए समय हमारे पास, समय संचित होता है हमारे पास। वीरपाल जी राहुल जी, एक बड़ा ऐसा प्रासंगिक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ
कि देखिए संजय निषाद कुछ बोल रहे हैं, अमेठी में रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, अब तमाम तरह की समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेंध लगा रही है, अब इन सब चीज़ों में आप पिछली सरकार को देखिए जो बहुमत से आई थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, तो सरकार बहुमत से आने वाली है या सरकार एक जिसको कहते हैं गठबंधन से आएगी या सरकार जुगाड़ से आएगी या ये सरकार कैसे आएगी? अब देखिए उत्तर प्रदेश में मुझे जैसा दिख पा रहा है कि सरकार जनता जो है कि अब वो गठबंधन वाली सरकार को नहीं बनाएगी। चंद्रशेखर जी एक तरह से वो जिस भी विकल्प को चुनेगी वो विकल्प जो है कि वो बहुमत के साथ जो है कि सरकार बनेगी नंबर वन की। नंबर टू चीज की देखिए पुष्टि को हम लोग को समझना पड़ेगा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ चल रही थी एक तरह से मैंने ओबीसी के गैर यादव जो अलग अलग जो संगठन थे उन सबों को जोड़ा था और बड़ा ही वो सफल प्रयोग रहा था। हम कहते हैं कि आज विपक्षी पार्टी विशेषकर समाजवादी पार्टी उसी प्रकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने जो बड़ा सा फलक बनाया एक अलग किस्म की राजनीति वो कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे दल, मैं तो कहूंगा कि कोई बड़े दल भी नहीं, महान दल को आप देखिए कि कई सारे दूसरे छोटे दल हैं जो एक जिले विशेष में प्रभाव रख रहे हैं, तो उन सबको एक कठिन सोशल इंजीनियरिंग की जो एक रचना की जा रही है नंबर वन की। नंबर टू देखिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर हम पूर्वांचल की अभी हम लोग बातचीत करें तो पूर्वांचल में चाहे आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के जो में कांग्रेस की जो प्रतिज्ञा रैली हुई थी वो उस रैली में ही सिर्फ दिख रहा था कि कहीं कहीं उसमें काफी ज्यादा भीड़ थी। तो हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस के रैली कांग्रेस को प्राय इस रूप में मीडिया में देखा जाता था कि उसमें कहीं कोई नहीं जाता, वो एक तरह से शिथिल पड़ा हुआ संगठन इस रूप में इसके बारे में बातचीत की जाती थी, लेकिन वहाँ बड़ी भीड़ भाड़ थी, काफी जनता जो है कि वो काफी उत्साह के साथ थी। इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो अखिलेश यादव की रैलियां हो रही है उसमें भी जो है कि वो जनता काफी ज्यादा जो है कि मतलब काफी ज्यादा टूट के आ रही है। तो विपक्ष के साथ कहीं कहीं जनता काफी ज्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के स्वभाव में भीड़ आती है आपने कहा, लेकिन हम लोग लगातार ये चीज देख रहे हैं कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। बार बार जो है कि उस पुत्र के पत्र देखिए 25 वर्षों का मेरा एक तरह से पत्रकारिता का जीवन है, उस प्रकार के जो डीएम के यहाँ से लेटर नहीं देखते थे जहाँ से उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम के लिए जो है डीएम को आदेश जारी किया जाए, डीएम अलग अलग विभागों से कहीं कहीं से पैसा आवंटित करे, ये तमाम तरह की चीजों को देखा है। तो देखिए राजनीति में स्थिर कुछ भी नहीं होता, हर कुछ गतिशील होता है। तो चीजें दिख रही है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नए प्रकार की चीजें देख रहे हैं, उपलब्धियों की गिनती की जा रही है। देखिए मैं मेरा चंद्रशेखर जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकारें क्रमबद्धता में काम करती है। आज ही अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का इस तरह से मानों ने शिलान्यास रखा है तो 2007 में देखिए अखिलेश यादव बड़े खुल से कह रहे हैं, वो चाहते थे उसने अपने ऊपर लेकर खुल से कहा कि भाई ये ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने इसको शुरू करने का प्रयास किया था। हमें याद है अभी भी कि 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है पर्यावरण क्लियरेंस को लेकर एक तरह से उसके ऊपर रोक लगा दी थी, ये मामला नंदा व्यक्ति में चला गया था। फिर जो बाद में जो अखिलेश यादव की सरकार आई उसके बीच में उसमें ये माथापच्ची लगातार चल रही थी कि आखिर किस तरह से इसको पर्यावरण क्लियरेंस मिले, उसके लिए अलग अलग जो चीजें चल रही थी कि भाई वो गंगा नदी के किनारे से क्योंकि पहले क्रॉस करना था, पुराना जो मायावती जी का प्रोजेक्ट था उसके अनुसार इसे एक तरह से सीधे सीधे जो है नोएडा से इसे बलिया तक को जोड़ना था, वो पुराना एक्सप्रेस स्ट्रक्चर उसका जो होता नए स्ट्रक्चर के रूप में नए ढंग से सुधार कर लिया जाए कि भाई नदी गंगा नदी से जो मुख्य शहर है उसको दक्षिण और दूर कर लिया जाए, पर्यावरण क्लियरेंस मिल जाए। अब फिर आज इस तरह से शिलान्यास रखाया इसका, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो अगर आए आप शिलान्यास कर रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को भी बुला लेते, आमंत्रण दे देते, वो भी आ जाती, क्योंकि जो काम आप करते हैं सरकारें क्रमबद्धता के साथ चलती है, हमें मानना पड़ेगा ये चीज। आप हम लोग राजनीति में जरूर कहते हैं आज योगी जी की सरकार है, कल किसी और की सरकार थी, परसों किसी और की पूर्व में सरकार थी, लेकिन एक कोई आदमी ढांचा देखता है सपना देखता है उसने ये चीज नहीं करना चाहिए कि लास्ट में हम अगर कुछ भी कर रहे हैं अंतिम में देखिए हमने कभी नहीं देखा यमुना एक्सप्रेस वे जो कि एक तरह से उसका उद्घाटन का काम जो है कि वो अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी को कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे का जो है कहीं कहीं को श्रेय लेने का प्रयास किया हो। अभी भी सारे लोग यही कहते हैं कि मायावती जी का प्रोजेक्ट था जबकि मायावती जी के शासनकाल में एक तरह से उसका काम सारा हो चुका था लेकिन उसका उद्घाटन नहीं कर पाई थी। तो राजनीति में इतनी सदाशीलता होनी चाहिए, जनता समझती है श्रेय लेने का, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूर्व के लोगों का बिल्कुल जो है दरकिनार कर दें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाते हैं बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन चर्चा
जो उस समय 38 करोड़ प्रति किलोमीटर जो बना था लखनऊ एक्सप्रेस उसका लागत आ रहा था, अभी जब पूर्वांचल एक्सप्रेस में बना है इसकी लागत है लगभग लगभग 68 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत है। उसमें काफी ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा था 2017 में जब उस तरह से किया जा रहा था उद्घाटन की भाई इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए। तो फिर उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अब तो लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो पहला सवाल इसलिए शुरू होती है और अगर 38 करोड़ प्रति किलोमीटर में भ्रष्टाचार हुआ तो फिर 68 करोड़ प्रति किलोमीटर पर कैसे हम लोग स्वच्छ मान लें। तो कई तरह के चीजें ये सवाल देते राजनीतिक टीवी विवेक आप उसको बोल कर दीजिए, समाचार पत्रों से दूर कर दीजिए, जनता के सामने में जनता इन सारे मुद्दों को बहुत ही बारीकी के साथ देख रही है। जो हम लोग किसान कानून के ऊपर डिबेट कर रहे थे, देखिए मैं अभी भी कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 2016-17 उसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो है वो वित्त मंत्री होते थे, उन्होंने एक तरह से उस बजट में रखा था किसानों का आय को 2022 में डबल करने के लिए। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की अध्यक्षता में एक तरह से उसमें अशोक दलवाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और उस अशोक दलवाई कमेटी से पूछा था कि किसानों के आय को कैसे डबल करें। उस अशोक दलवाई कमेटी ने बताया था कि आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ में 12% करना पड़ेगा। आप आंकड़े निकाल कर देते हैं, बिल्कुल आपका डिबेट आप काफी अच्छा तक डिबेट कराते हैं जी। 2014 से लेकर 2019 तक का हम जब देखते हैं कि एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.5% था और ये कभी भी 4% से ऊपर का ग्रोथ रेट नहीं पहुंचा। तो आप ग्रोथ रेट को जब ऊपर पहुंचा ही नहीं रहा, 12% पहुंचेगा ही नहीं, तो अगले महीने में जब हम लोग जनवरी में खड़े हो जाएंगे तो आपको कैसे हम मान लेंगे किसानों की आय डबल हो जाएगी, तो वो 12% का तो ग्रोथ रेट हमको हुआ ही नहीं। आप डिबेट करते रहते हैं कि भाई हमें किसी ने कोई पता है हमने तो किसान आए तो सिफारिशों को लागू कर दिया, कोई कह रहा है हमने लागू नहीं किया। जनता के समस्याएं जो अभी भी है एग्रीकल्चर में पीछे रह जाए, पहले के बाद अगर कोई ये कोई सोच रहा है सपना देख रहा है किसानों की आय डबल हो जाएगी तो ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कहीं से भी उनकी आय डबल होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। तो पैरामीटर्स है, देखिए देश में रोजगार का एग्रीकल्चर के बाद जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत था वो कौन सा सेक्टर था, टेक्सटाइल सेक्टर था। टेक्सटाइल सेक्टर में स्थिति है कि 50% हम और आज के कपड़े पहन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा राहुल जी आपके पास। संदीप जी ये जो हल चला रहे हैं आप सियासी जमीन पर उत्तर प्रदेश की खोई हुई जमीन पाने के लिए, कितना महसूस करते हैं कि आप वहां पर कोई बीज प्रस्फुटित हो जाएगा कांग्रेस का? जी बिल्कुल होगा, अच्छा रिजल्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पूर्ण विश्वास से एक तरीके से जो भी बात चल रही थी, हम लोग एक समय राजनीति का आया, मंडल और कमंडल का समय आया और हम उसमें पीछे रह गए। और ये इसलिए कि हमने ना मंडल के साथ चल पाए ना कमंडल के साथ चल पाए, ये सच्चाई है। लेकिन आज हम एक राजनीति में एक नया परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं और एक नई बहर और नई लड़ाई को जन्म दिया, जमीनी अधिकारों की लड़ाई। ऐसी लड़ाई की बात नहीं कर रहा, अधिकारों की लड़ाई 40% महिलाओं को, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश हर मामले में आगे रहा है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का और प्रतिनिधित्व देने का वादा किया और हम दे रहे हैं, और जिस तरीके से स्कूटी और उनकी शिक्षा के लिए हमने जो वादे किए हैं, जो प्रतिज्ञा ली है उसको हम पूरा करेंगे। ये एक राजनीति की नई दिशा तय होने वाली है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और अभी आपने संजय निषाद जी की बात की, अभी बड़ा राम राम कर रहे थे संजय, इनके सहयोगी संजय निषाद जी कहते हैं तो भगवान राम जो है दशरथ के पुत्र थे ही नहीं, दशरथ तो पुत्र पैदा करने लायक ही नहीं थे, वो तो किसी श्रृंगी के जो है वो पुत्र थे। जी आप तो इन बातों से परहेज किया कीजिए, आप तो प्रबुद्ध वक्ता हैं, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इन बातों से आप तो परहेज किया कीजिए कम से कम। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप तो कम से कम आप हाँ कम से कम आप हाँ मुझे देखिए संजय निषाद जी ने जो बोला वो मैं बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है ठीक है, लेकिन काफी प्रबुद्ध वक्ता हैं आप, तो परहेज किया कीजिए ऐसी दवाइयों से। नहीं बिल्कुल हाँ, जिनसे हाजमा खराब हो जाए। वीरपाल जी कांग्रेस का हाजमा खराब करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन आपका हाजमा खराब कर देंगी अगर इस तरह की दवाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल भी, आप देखते रहिए कोई हाजमा खराब नहीं होगा, कांग्रेस का पहले भी खराब था आगे भी खराब रहेगा, ये केवल प्लानिंग करते हैं बाकी कुछ नहीं होता। बिल्कुल जमीन पे कोई चीज नहीं उतरती इनकी, जी ये बात आपको माननी पड़ेगी जी। तो इसलिए इनकी इनका समय समाप्त हो रहा है। वीरपाल जी, संदीप त्रिपाठी जी, राहुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में सियासी जंग जारी है, हर एक
की अपनी तैयारी है, देखना होगा कि रेस में सबसे आगे कौन निकलता है और सत्ता के दरवाजे पर कौन पहुंचता है। बहरहाल देश विदेश की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।